हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एमपीआर टेक के इस वीडियो डेमोंस्ट्रेशन के अंदर, जिसके इस वीडियो के अंदर हम देखने के लिए जा रहे हैं कि आप विंडोज सर्वर 2016 टेक्निकल प्रीव्यू 4 जो रिसेंटली रिलीज हुआ है उसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने एक वीएम क्रिएट करके रखा है और उसके अंदर मैंने विंडोज सर्वर 2016 टेक्निकल प्रीव्यू 4 का जो आईएसओ इमेज है वो माउंट करके रखा है। आप ये आईएसओ इमेज माइक्रोसॉफ्ट की टेक्निक इवोल्यूशन सेंटर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ वर्चुअल मशीन पे और फिर क्लिक करता हूँ स्टार्ट पे। जैसे ही वर्चुअल मशीन स्टार्ट होगा, जो फर्स्ट बूट प्रायोरिटी है वो है सेटअप डिस्क। तो जो आईएसओ इमेज हमने माउंट करवाया है उससे जो हमारा वीएम है वो बूट होगा, और जैसे बूट हो जाएगा सबसे पहले हमें मिलेगा लोडिंग फाइल्स और उसके बाद जो विंडोज का लोगो है वो। सबसे पहला जो स्क्रीन हमें मिलेगा वो है विंडोज सर्वर 2016 टेक्निकल प्रीव्यू 4, जिसके अंदर हमें पूछा जा रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज के अंदर इंस्टॉलेशन करने के लिए जा रहे हैं, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट क्या है और कीबोर्ड और इनपुट सेटिंग्स क्या है। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ हमारे रीजन के अकॉर्डिंग जो है इंग्लिश इंडिया, और उसके अकॉर्डिंग कीबोर्ड और इनपुट मेथड्स भी अपने रीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे और यहाँ पर हमारे पास है इंस्टॉल नाउ का, सो टैप करता हूँ इंस्टॉल नाउ पे और उसके बाद जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शंस है कि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर दो ऑप्शंस अवेलेबल है, एक है विंडोज सर्वर 2016 टेक्निकल प्रीव्यू 4 और दूसरा है विंडोज सर्वर 2016 टेक्निकल प्रीव्यू 4 विथ डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। सो पहला जो ऑप्शन है वो है कोर वर्जन जो है विंडोज सर्वर 2016 का, जहां पर जीयूआई एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए नहीं मिलेगा। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है जीयूआई मैनेजमेंट, यहाँ पर अवेलेबल होगा जिसके हेल्प से आप ग्राफिकली सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। सो हम इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं विंडोज सर्वर 2016 टेक्निकल प्रीव्यू 4 विथ डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एंड टर्म्स और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। अब हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल है कि आप कौन से टाइप का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है अपग्रेड करने के लिए, तो अगर आप जो अर्लियर वर्जन के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अगर आप अपग्रेड करके लेटेस्ट वर्जन पे ले जाना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि जो विंडोज सर्वर 2016 है अभी जो आरटीएम वर्जन है, जो ऑफिशियल वर्जन है, वो रिलीज नहीं हुआ है। ये जो वर्जन है वो टेक्निकल प्रीव्यू है। सो इसके लिए हम इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं वो है क्लीन इंस्टॉलेशन, जो है सेकंड ऑप्शन। सो यहाँ पर हम जा रहे हैं क्लीन इंस्टॉलेशन के लिए, इसलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सेकंड ऑप्शन। और अब हमें पूछा जा रहा है कि जो पार्टीशनिंग है वो आप स्पेसिफाई कर दीजिए। सो यहाँ पर कोई भी पार्टीशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें मिल रहा है ड्राइव जीरो अनअलोकेटेड स्पेस। तो एक पार्टीशन मैं क्रिएट कर लेता हूँ और उसे साइज दे देता हूँ 100 GB और क्लिक करता हूँ अप्लाई पे। एक एडिशनल सिस्टम पार्टीशन भी क्रिएट होगा जो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है, मैं क्लिक करता हूँ ओके पे। और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक सिस्टम रिजर्व पार्टीशन है 500 MB का और दूसरा जो पार्टीशन हमने क्रिएट किया है वो है 99.5 GB का जो प्राइमरी पार्टीशन है। सो मैं इसे पार्टीशन को सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। जो विंडोज सर्वर का जो इंस्टॉलेशन है वो नियर बाय सिमिलर है जो अर्लियर वर्जन के विंडोज सर्वर OS थे। सो ये जो इंस्टॉलेशन है कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त लेगा, इसलिए मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग को यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका ये जो सर्वर है वो एटलीस्ट 2 बार रिस्टार्ट होगा, और रिस्टार्ट होने के बाद जो हमें पहला कंसोल होगा वो होगा बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेट करने का। तो जैसे ही कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को वापस रिज्यूम कर लूंगा। जैसे आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है उसके बाद जो हमें पहला जो कंसोल मिल रहा है वो है कि आप अपने जो बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उसका पासवर्ड सेट कर दीजिए। मैं यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देता हूँ और उसके बाद क्लिक करता हूँ फिनिश पे। सेटिंग्स फाइनलाइज होने में भी कुछ वक्त लगेगा, उसके बाद फाइनली आपको कंट्रोल रिलीज स्क्रीन मिल जाएगा। सो फाइनली हमें जो कंट्रोल रिलीज स्क्रीन है वो मिल चुका है। सो मैं यूज करता हूँ कंट्रोल रिलीज की टू अनलॉक और उसके बाद स्पेसिफाई कर देते हैं जो पासवर्ड हमने सेट किया था बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। सो फाइनली विंडोज सर्वर 2016 टेक्निकल प्रीव्यू 4 का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हम लॉगिन कर चुके हैं इस वीएम पे, जहां पर सबसे पहले सर्वर मैनेजर ऑटोमेटिकली ओपन होगा फर्स्ट टाइम।
क्लिक करता हूँ सिस्टम पे, नया सर्वर मैनेजर है जहाँ पर एक ये जो ऑप्शन है वो मुझे नया मिल रहा है जो विंडोज सर्वर 2012 R2 के अंदर नहीं अवेलेबल था। सो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं सिस्टम प्रॉपर्टी जहाँ पर है विंडोज सर्वर 2016 टेक्निकल प्रीव्यू 4 और विंडोज जो है जो वर्जन है वो एक्टिव हो चुका है। तो इस तरह से हम विंडोज सर्वर 2016 को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आने वाले वीडियोज के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम विंडोज सर्वर 2016 टेक्निकल प्रीव्यू 4 पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हैं और बाकी के जो सर्वर रूल्स है उसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।